ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस जो हमें लेके चलेगी दुबई, तब सामान हमें निकाल देना सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। ये हो गया हमारा जी इमिग्रेशन। इसके द्वारा आपके पीछे भी हो सकता है। दुबई में फ्रेंड फ्लाइट लैंड करने वाली है, आपको टैक्सी वाले सब मना नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स अभी हमें दुबई में आ गए, आज हम दुबई। चलिए फ्रेंड आपको बताते हैं लखनऊ से दुबई तक कैसे चले, पूरा प्रोसेस ए टू जेड फ्लाइट में कैसे क्या करना है। लखनऊ एयरपोर्ट पे हमें कितने बजे आना है फ्रेंड्स, बैगेज हमारा कैसे जमा होगा वहाँ पे, और हमें विंडो सीट कैसे मिलेगी, इमिग्रेशन में क्या क्या हमसे पूछते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, अगर हमारे पास रिटर्न टिकट नहीं है तो हमें क्या शो करना होगा, पैसे कितने पूछते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे इंडिया में। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानेंगे ए टू जेड। वीडियो की स्क्रिप्ट मत करिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें चौधरी चरण सिंह मेट्रो स्टेशन पे, और देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के लिए फ़्लाइट हमें कैसे लेनी है। यहाँ से चल के हम एग्जिट करते हैं, फिर फटाफट आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। डोमेस्टिक के लिए और यहीं से इसे क्रॉस करके आ जाना है इस तरफ इंटरनेशनल के लिए। ये देखिए अभी भाई लोग आ रहे हैं इंटरनेशनल से। तो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चलिए अभी एंट्री लेते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाना होगा, और चाहे टिकट प्रिंट में हो या मोबाइल में, दोनों एक्सेप्ट होता है। चलिए अभी यहाँ पे चेक कराते हैं, इसके बाद अंदर एंट्री लेते हैं। ये जो मशीन दिख रही है, यहाँ पे हमारा लगेज बैग चेक होगा, कहीं उसका हैंडल या कोई चेन खराबी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कि उसका एक ओके टू स्टिकर लगेगा। फ्रेंड्स हमारे बैग में ओके का स्टिकर लग गया। तो चलिए फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस काउंटर पे, यहाँ पे हमें अपना बोर्डिंग पास मिलेगा। यहाँ पे हमारा जो लगेज बैग है, बड़ा वाला बैग, वो जमा हो जाएगा। और मेक श्योर आप लोग कोशिश करिए फ्रेंड, जितना केजी आपके टिकट में और लिखा हुआ उतना ही केजी उसको घर से ही वेट करके रखें अपने बैग को, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, वो आपके टिकट में ही लिखा रहेगा फ्रेंड। अलग अलग फ्लाइट का अलग अलग वेट होता है, 20-25-30 केजी होता है लगेज का बड़े वाले, और 7-8 केजी होता हैंड बैगेज का। तो आप टिकट में चेक कर लीजिए फ्रेंड। तभी यहाँ पे ये है इमिग्रेशन काउंटर, अभी ओपन नहीं हुआ, ओपन होगा तो इमिग्रेशन होगा हमारा। अभी बाकी सारे लोग वेट कर रहे हैं इधर, देखिए। चलिए कुछ खाने पीने की चीज़ें देखता हूँ, कुछ खाता हूँ, भूख लगा हुआ। आप यहाँ बैग पैक करा सकते हैं अपना, क्लीन रहे। चलिए अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या क्या है खाने में, कुछ खाते पीते हैं, भूख भी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इनके पास केक, सैंडविच, बर्गर, चॉकलेट, सब ये सब चीज़ें हैं, और इसके प्राइस इधर लिखे हुए हैं फ्रेंड। आप लोग मेक श्योर कोशिश करिए घर से खा के आइए, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर कुछ ज़्यादा ही महंगा रहता सारी चीज़ें। तो मैंने एक समोसा एक ड्यू लिया है, और फ्रेंड्स ये जो समोसा है एक तो मैक्रो मार के दिया मैम ने, लेकिन अच्छा नहीं है क्योंकि पूरा सॉगी हो गया, सॉफ्ट हो गया एकदम। चलते हैं, इमिग्रेशन काउंटर ओपन हो गया, अभी हम आ गए इमिग्रेशन काउंटर पे। फ्रेंड्स हमसे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉई वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा वाले हैं उन्हीं से पूछताछ होता जा रहा था। उनको अपना रिटर्न टिकट मांगेंगे इमिग्रेशन ऑफिसर, और उनसे पैसे का भी पूछ लेंगे या होटल के बारे में पूछेंगे। फ्रेंड मेक श्योर आप लोग रिटर्न टिकट जरूर करा लीजिए, बस इतना ही। तो चलिए फ्रेंड अभी हम आ गए हैं अपना चेकिंग के लिए। चेकिंग में सब सारी चीज़ें हमें निकाल देना है, देखिए मैंने ट्रॉली इसमें डाल दिया बैग में, और अभी फटाफट चेकिंग करा के फिर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे बास्केट रखी रहती है, बास्केट लेके हमें सारा सामान अपना निकाल देना। हमारे हाथ में सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट होना चाहिए बस, बाकी सब कुछ निकाल के जो भी हम पहने हैं अपना सब कुछ निकाल के, बेल्ट, पर्स, कड़े, जो भी है रिंग किसी के पास, सब चीज़ निकाल के उस बास्केट में डाल के चेकिंग करानी होती है फ्रेंड। से यहाँ से कुछ और खाने पीने की चीज़ें ले लेता हूँ, एक पानी ले लेता हूँ और एक कॉफ़ी देखता हूँ कितने का है, और प्राइस भी आपको दिखाता हूँ पूछ के भैया से कितने का है। चलिए फ्रेंड्स अभी हमने कॉफ़ी ले लिया और एक बोतल पानी ले लिया, ये देखिए। और अभी देखिए फ़्लाइट में मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं कुछ खाने के लिए, जो भी होगा चार्जेबल होगा। तो यहाँ पर इनके प्राइस है जो शॉप है अंदर, देखिए फ्रेंड्स इनका सारा प्राइस लिखा हुआ भैया कि आपको जो भी लें। अभी अनाउंसमेंट होने लग गया फ्रेंड्स, अभी हमें बस में शायद ले जाया जाएगा और फ्लाइट तक। तो यहाँ पर चलिए अभी पहले बिजनेस क्लास वाले जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। ये लगी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की बस, और अभी हम चलते हैं इसमें। बस में भी हमें बैठा के फ्लाइट तक ले जाया जाएगा फ्रेंड्स। चलिए ये है फ्रेंड्स इंडिगो की फ़्लाइट, ये भी कहीं जा रही होगी। तो ये भैया हमारा आ रहा ट्रैक्टर टाली से लगेज बैग। फ्रेंड्स अभी सीम चल रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसमें अभी हम चल रहे हैं दुबई। तो ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस, 11F विंडो सीट। फ्रेंड्स अभी मैं अपने विंडो सीट पे बैठ गया और इधर फ्यूल भरा जा रहा है। चलिए फ्रेंड कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ आपको, फ्लाइट में कैसे क्या बैठना है, कैसे क्या हमें सीट बेल्ट लगेगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी एयर हॉस्टल मैडम भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगी, तो देख लीजिए आप किस सीट के सामने ही रखा रहेगा। ऐसे ही फ्लाइट में आपके ऊपर ही एक स्विच दिया रहेगा, एक बटन ही, उसको प्रेस करके दबा के आप एयर हॉस्टेज को, सर या मैम जो भी रहेंगे, आप बुला के उनसे कुछ भी पूछना है या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मंगानी है तो आप उनको बोल के मंगा सकते हैं। आपको पानी पीना है तो बिना कोई दिक्कत के आप उनको बुला के बार बार। आपका स्वागत है, जो लखनऊ से दुबई जा रही है, टाटा ग्रुप का हिस्सा होने के नाते एयरलाइन, हम आपका स्वागत करते हैं। इस विमान के कप्तान हैं, तो विमान के अगले हिस्से तैयार रहे, आपका नजदीकी द्वार आपके पीछे भी हो सकता है।
विमान में धुआं मौजूद होने पर बारिश में लगी प्रोसेस मार्ग आपको निकटतम द्वार पर पहुंचने में मदद करेगी। सुरक्षा निर्देश पर आपकी सीट पॉकेट में रखे हैं, इसे ध्यान से पढ़ लें। चौथे की ओर एक में बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि वे इन द्वारा के स्वचालन विधि को ध्यान से पढ़ें और समझ लें। अतिथियों से निवेदन है अपने मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर कर दें, बंद कर दें। फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है जोक सब फट। फ्रेंड्स, अभी टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई प्लेन। चलिए देखिए अभी टेक ऑफ कैसे करता है। जब टेक ऑफ होगी फ्रेंड फ्लाइट, तो हमारा कान जो है सुन होगा हल्का सा। मेरा तो होता है हर बार, आप लोगों का पता नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाता है 10 मिनट बाद। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है। और देखिए छोटे मोटे घर कैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे। फ्रेंड्स, आपके सीट के नीचे ही आपका चार्जर के पॉइंट दिए रहेंगे। देखिए जैसे मैं लगाया हूँ अभी, चाहे वो डाटा केबल का होगा या अडेक्टर के साथ होगा, तो आप चेक कर लीजिए फ्लाइट में कैसा है वो। अडेक्टर भी लगता है डाटा केबल में, अलग अलग फ्लाइट में अलग अलग तरीके लगता है। तुम्हारी एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इसमें हम पूरा चार्ज लगाए हैं। फ्रेंड्स, अभी एक पानी का बोतल मिला है, देखिए पानी पीते हैं फिर देखते हैं। तो ये देखिए अभी बादलों के ऊपर आ गए हम, और बादल कैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे होती है, बादल देख लीजिए आप लोग। फ्लाइट की गाड़ी आ गई फ्रेंड्स, अभी चलिए देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। चार्जेबल है, जो भी हम खरीदेंगे उससे हमें पैसा पे करना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये मैंने बिरयानी ऑर्डर किया, चिकन बिरयानी, पैकेट वाला है फ्रेंड, फ्रेश नहीं है, याद रखना, आपको बता दिया जाएगा पहले ही। तो 8 मिनट हमें वेट करना गरम। इंडिया का 300 रुपये की बिरयानी है ये, थोड़ा सा ही। देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, बादलों के ऊपर चिकन बिरयानी खाते हुए। बहुत सारे लोगों को फ्लाइट का वॉशरूम यूज करना नहीं आता। चलिए फ्रेंड दिखाता हूँ, अभी आपको जैसे अंदर आएंगे आपको लॉक कर लेना। ये है टॉयलेट, यहीं पे हमें वॉशरूम करना है, अगर टॉयलेट लगा है टॉयलेट करना है। ये इसका फ्लैश है, ठीक है, जैसे दबाएंगे थोड़ा सा आवाज़ करेगा, डरना नहीं है, प्रेशर से होता है क्योंकि। और ये बगल में ही देखिए इसके टिशू रखा हुआ है, टिशू से आप नैपकिन से पोंछ के अपना हाथ, और ये पानी है हैंड वॉश कर लीजिए, बगल में हैंड वॉश भी रखा हुआ। और ये देखिए, चलिए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड देखिए अभी हम आ गए दुबई, रेत हमें दिखने लग गया, लाल कलर की रेत। तो देखिए अभी हमारी फ्रेंड फ्लाइट लैंड करने वाली है धीरे धीरे। और ये है दुबई का खूबसूरत सभी, और देखिए सड़क पे कितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें, और अब आप मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। निवेदन है कि विमान से निकलने से पहले अपनी सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जाँच कर लें, ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में न रह जाए। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हुई, और हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। आगमन में किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। जय हिंद। फ्लाइट लैंड हो गई, अभी हम सात लोग बैठे हैं। तभी हमारा बेल्ट नंबर बताया जाएगा हमें, कहाँ पे अपना बैगेज मिलेगा, लगेज बड़ा वाला, को अपना बेल्ट नंबर बता दिया जाएगा, कन्वेंट बेल्ट जो बोलते हैं, जहाँ पे आपका बैगेज आएगा। नहीं है तो आप पूछ लीजिए एयर हॉस्टेस से। तभी टर्मिनल 2 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट लैंड हुई है। तो फ्रेंड तभी हमें बस में बैठा के ले जाया जाएगा अंदर, फिर हम वहाँ से चलेंगे। और इतनी गर्मी है फ्रेंड, हाई गर्मी। बैक टू दुबई। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं, और ये है पूरा पे सिक्योरिटी चेकिंग दोबारा हुआ। लखनऊ से जो आए थे, अभी जो बैग आया हम लोग का, ये हैंड बैगेज दोबारा चेकिंग हुआ है, क्योंकि लखनऊ में थोड़ा है बाबू भैया लोग, तो इसलिए दोबारा चेक हुआ। लेकिन दिल्ली से आए थे तो नहीं हुआ था ये। इधर सामने ड्यूटी फ्री एरिया है, और अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो ये देखिए बैगेज आ रहा है इधर, यहाँ से आपकी जो भी फ्लाइट आएगी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन पे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, सामने वहाँ स्क्रीन लगी रहती है, स्क्रीन पे लिखा रहेगा कि कहाँ से फ़्लाइट आई है, आपके फ़्लाइट नंबर क्या है। आप उसमें अपने बोर्डिंग उसमें पास में मेंशन जो रहता है उसको मैच करके आप देख सकते हैं अपना बैग, और अभी चलते हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो जगह जगह लोग रहते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। तो देखिए जो हमारी फ़्लाइट आई अभी, वो इस पर लिखा हुआ ऊपर ही ऐसे हर बेल्ट नंबर पे लिखा रहेगा। आपको जो भी समझ नहीं आता आप पूछ लीजिए। और यहाँ पे जो भी आपको लेना है, कुछ खाना पीना है, देखिए यहाँ पे सिम मिल रहा है। इधर हमने अपना बैग कलेक्ट कर लिया अभी, ये देखिए, और हैंड बैगेज भी कर लिया, और अभी हम चल रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ पे आपने जो वॉच देखी होगी वो है ओरिजिनल रोलेक्स, डू का रिचार्ज करना है या कुछ भी लेना है तो कर सकते हैं आप। और आपको जो भी पिक करने आया रहेगा यहाँ पे ऐसा खड़ा रहेगा, लिखा गेस्ट मीटिंग पॉइंट एक्सिस्टेंट, देखिए सामने लिखा हुआ टैक्सी,
ये टैक्सी स्टैंड दुबई का, यहाँ से टैक्सी लेते हैं और चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड चल के दिखाते हैं आपको बैठ के टैक्सी में। और यहाँ पे कोई आपको टैक्सी वाले सब मना नहीं कर सकते कि हम यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, जैसे अपने यहाँ ज़बरदस्ती करते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई वो नहीं है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, जैसे बोलते हैं अपने यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। कैसा लगा कमेंट करिए जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं बाहर, एग्जिट ले लिए हैं और अब चल रहे हैं रूम पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करिए जरूर बताइए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।